आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद पूरे शहर में वापस धीरे धीरे अपनी रौनक पर आता नजर आ रहा है, लेकिन नगर निगम के सामने जो मटन मार्केट में अपना व्यवसाय करने वाले 32 दुकानों के बंद होने पर सभी व्यापारियों को बेरोजगारी का जीवन यापन करना पड़ रहा है। इंदौर कुरैशी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष खालिद कुरैशी ने अपनी दुकानों को खुलवाने के लिए इंदौर जिला माननीय कलेक्टर साहब को भी अपने साथी सदस्यों के साथ जाकर आवेदन देकर दुकानें खोलने की मांग रखी है। लॉकडाउन के बाद शहर के हर प्रकार के 90% व्यापारियों की दुकानें खोल दी गई है। वहीं आज शहर भर में कम से कम 20,000 मटन व्यवसायी के सामने भूखे मरने जैसी नौबत आ गई है। हम सभी व्यापारियों की ओर से माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम सब मटन व्यापारियों को भी दुकानें खोलने की जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। चिकन की और फिश की दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर और पूरे शहर के अंदर सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, मटन की, फिश की, चिकन की। हमने कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब से कई बार आग्रह किया कि हमारा व्यवसाय चालू करिए, मगर माननीय कलेक्टर साहब ने हमें यही आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द आपका व्यवसाय चालू कर देंगे। पूरे शहर के अंदर इस व्यवसाय से 20,000 लोग जुड़े हुए हैं और 20,000 लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है और ये समझ लीजिए कि अब खाने की भी मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई है यहाँ तक के। और हमारा यही आग्रह है माननीय कलेक्टर साहब से कि शहर के अंदर 90% व्यवसाय चालू हो गए हैं, सिर्फ हमारा ही व्यवसाय रह गया और कुछ चंद लोगों का व्यवसाय बाकी रह गया है। और हम माननीय कलेक्टर साहब से यही निवेदन करते हैं कि हमारा भी व्यवसाय चालू करके हमारी भी रोजी रोटी का इंतजाम करें और हम यही चाहते हैं। बस इसी के साथ हमारा